हे दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज हम देखेंगे Xiaomi Mi A1। दोस्तों ये Xiaomi का एकदम लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है और देखेंगे हम क्या ये ऑलरेडी बजट किंग Xiaomi Redmi Note 4 से अच्छा है या नहीं। तो सबसे पहले इसके देख लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू। तो ऊपर की तरफ आप लोगों को IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है जो मोस्टली Xiaomi के डिवाइस में होता ही है। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और नीचे की तरफ आपको USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप, डुअल टोन, डुअल LED फ्लैश और बीच में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। फोन के नीचे की तरफ बात करें तो आपको यहाँ पे मी की ब्रांडिंग और एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग क्या है इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फोन ओवरऑल काफी अच्छा लगा, पकड़ने में भी बिल्कुल भारी नहीं लगता। जो ओवरऑल लुक एंड फील है फोन का वो मुझे काफी पसंद आया। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में बिल्कुल क्लासिक लगता है फोन और ये 5.5 इंच का फोन है और जो इसके एजेस हैं वो बिल्कुल कर्व्ड हैं, इसलिए इसको पकड़ने में बहुत आसानी होती है। फोन के सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे आपको मिलता है MIUI नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको MIUI नहीं मिलता, इसमें आपको मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, इसीलिए फोन में एंड्रॉइड 1 की ब्रांडिंग दी गई है। तो फोन में आप देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस है वो काफी फ्लूइड है क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है और आप समझ ही सकते हैं जब Xiaomi अपना फोन उतारेगी अपने हार्डवेयर के साथ अपनी प्राइसिंग के साथ, लेकिन उस फोन में जो सॉफ्टवेयर होगा वो होगा गूगल का स्टॉक एंड्रॉइड, तो मजा ही आ जाएगा। इसीलिए आप देख सकते हैं जो स्टोरेज है वो है 64 GB की और जो रैम है इसमें वो आपको मिल जाती है 4 GB की। फोन में आपको सिर्फ इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिलेगा, आपको इसमें कोई भी रैम ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जब आप इसे खरीदेंगे। 4 GB में से तकरीबन 2.1 GB रैम फ्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। फोन का जो एक्सपीरियंस मुझे लगा थोड़ी ही टाइम में, आप देख सकते हैं जो UI है वो बहुत फ्लूइड है, एकदम बटरी स्मूथ UI है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। फोन में आपको एंड्रॉयड N देखने को मिलता है और Xiaomi ने प्रॉमिस किया है एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट इस साल के एंड तक आ जाएगा और इवन एंड्रॉयड P जब भी आएगा इस फोन को वो अपडेट जरूर मिलेगा, ये Xiaomi ने कंफर्म करके दिया है। फोन की हाइलाइटिंग फीचर है फोन का कैमरा, फोन में आपको 2 12 मेगापिक्सल के कैमरा देखने को मिल जाते हैं और जो कैमरा का सेटअप है वो कुछ उसी तरीके का है जिस तरीके के आपको iPhone 7 Plus में और OnePlus 5 में देखने को मिलता है। मेरा मतलब है कहने का, एक जो है वो रेगुलर स्टैंडर्ड लेंस है और दूसरा जो है वो है टेलीफोटो जूम लेंस। इसका मतलब आपको इसमें 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, मतलब लॉसलेस जूम, मतलब आप जब भी 2x जूम करेंगे आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगी, बिल्कुल भी पिक्सेलेटेड नहीं होगी। इसका मतलब आपको साथ ही में 10x डिजिटल जूम भी मिल जाता है, इसका मतलब आप काफ़ी दूर तक का जूम कर सकते हैं क्योंकि 10x डिजिटल जूम है तो आप काफ़ी अच्छा खासा जूम कर सकते हैं। तो दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का, बस यही ड्रॉबैक मुझे लगा इस फ़ोन में, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। जो अपर्चर आपको मिलता है वो है f2.0 का और फोटोज जो आती हैं फ्रंट कैमरा से वो ठीक ठाक ही आती हैं। जो इसमें ओवरऑल मोड देखने को मिलते हैं वो आपको इसमें पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है जिस तरीके का आप iPhone 7 Plus में या OnePlus 5 में फोटोज कैप्चर कर सकते हैं। DSLR की तरह कुछ कुछ पीछे ब्लर ला सकते हैं, तो वो जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी इस फोन में अवेलेबल है। अब इस फोन के कैमरा को आप उस फोन से भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक जो फोन है वो 35,000 का है, दूसरा फोन तकरीबन 70,000 का है, तो आप 15,000 के फोन को इतने महंगे फ्लैगशिप से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा मुझे काफी ठीक ठाक ही लगा, बट यही एक ड्रॉबैक है। तकरीबन यहाँ पे अगर आप 8 मेगापिक्सल का कैमरा दे देते या फिर अच्छा सेल्फी कैमरा दे देते एक वाइल्ड एंगल लेंस के साथ तो बढ़िया रहता। इस फोन में आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, गोल्ड, ब्लैक और रोज गोल्ड। रोज गोल्ड अभी मेरे पास नहीं है बट जो ब्लैक कलर है वो मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आया। अगर आप इसे कंपेयर करें जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है मोटो G5S Plus के साथ, तो मुझे हर एंगल से ये फोन थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है मोटो G5S Plus से। अगर आप बात करें कैमरा की तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी Xiaomi का Mi A1 बाजी मार लेता है। तो दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियंस, तो आशा रखता हूं आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूं एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।